सीखते हैं एक बच्चों का टॉप और नीचे हैरम पैंट। हैरम पैंट को हम धोती सलवार भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैं 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देखकर बच्चे का मेजरमेंट ले सकते हैं। मैंने 2 अलग अलग वीडियो डाले हैं, 3 साल के बच्चे का मेजरमेंट का है और एक 10-11 साल के बच्चे के मेजरमेंट का है। तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का मेजरमेंट ले सकते। तो मैं ये 6 साल के बच्चे का बना रही हूँ। तो ये मेरे पास आधा मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विड्थ 42 इंच, 42 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम अपने टॉप की चौड़ाई निकालेंगे। तो हमारी टॉप की चौड़ाई निकालने का तरीका ये रहेगा, सीट गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच। आप किसी भी चीज की चौड़ाई निकालें तो आप सीट के मेजरमेंट से अपनी कुर्ते की या टॉप की या किसी भी चीज की चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सीट गोलाई है 26 इंच, 26 इंच। तो हम ये 26 इंच पर इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 4 फोल्ड करेंगे और फिर हम ये खोलते हुए इधर से देखेंगे तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 6.5। इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8.5 इंच लेंगे और इस जगह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपनी लंबाई लेंगे। मैं इसमें अपनी लंबाई 16 इंच रखूंगी, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो 17.5 इंच रख लेंगे। तो हम यहाँ से 17.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे तीरे का आधा। तीरा हमारे पास है 11 इंच, तो उसका हाफ आएगा 5.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे आर्म होल के लिए सीने का चौथा। बच्चों का 0 साइज से 28 साइज तक आर्म होल निकालने का तरीका आपका यही रहेगा। सीने का चौथा हिस्सा आपका जो भी सीने का नाप आए उसको आप ऐसे इंच टेप को 4 बार फोल्ड कर चौथा हिस्सा निकाल लीजिए। तो हमारा चौथा हिस्सा आएगा 6 इंच। 24 सीना है मेरे पास, तो उसका चौथा हिस्सा 6 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 6 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। सीने का चौथा हिस्सा हमारे पास 6 इंच आया था, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8 इंच ले लेंगे और ये चौड़ाई हमारी एज इट इज रहेगी। अब हम इसमें हल्का सा एक शेप दे देंगे। आप चाहें तो ये जो कर्व स्केल है इसको हम अपोजिट रखेंगे और यहाँ से आप शेप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के सीने और कमर में कोई फर्क नहीं होता है। बच्चों के सारे नाप एक से आते हैं तो उनके नापों में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हम हल्का सा शेप दे रहे हैं। अब हम यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे। बच्चों के लिए हम 1/2 इंच लेंगे और उसको यहाँ तिरछा मिला देंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसके बाद हम 1/2 इंच लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और हम ये 1 इंच को अंदर वाली लाइन पर होते हुए पहले ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ये बाहर वाला लाइन पर मिला लेंगे। जो हमने 2 अलग अलग लाइन्स बनाई दोनों लाइन्स पर हम ये दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक हम चौड़ाई निकालेंगे 2 इंच। छोटा बच्चा है तो 1.25 ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो 1.25 ले लीजिए और आपकी चॉइस है कि आप इसे कितना कम या ज्यादा रखना पसंद करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपने नेक की लंबाई लेंगे। तो मेरे पास जो नेक की लंबाई है वह है 4 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच लेकर एक बॉक्स बनाकर इसमें एक सर्कल राउंड शेप बना दूंगी। अब हम पीछे वाले नेक का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसको बस एज इट इज चौड़ाई पर मिला लेंगे। अब हम इसके पहले पीछे वाले नेक की फिर ये वाले आर्म मोल की और ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट को हटा लेंगे और वापस इसको ऐसे सेट कर अंदर वाले आर्म होल की और इस नेक की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला नेक है। यहाँ पर हम 2 से 3 इंच का एक लंबा सीधा कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम पीछे हुक आई लगाएंगे ताकि बच्चों को पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास ये जो कपड़ा है हम इसमें से अपनी स्लीव्स को बनाएंगे। तो हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई निकालने के लिए सीने का चौथा हिस्सा प्लस 1/2 इंच, ये हमें बच्चों के लिए ऐसा करना है। बड़ों में हम सीने का चौथा ही लेते हैं और बच्चों के लिए हमें सीने का चौथा प्लस 1/2 इंच करना है। तो हमारा सीने का चौथा हिस्सा आया था
इंच तो हम इसको आधा इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 6.5 इंच ले लेंगे। और बच्चों के लिए हम यहाँ से लेते हैं सीने का 12वां हिस्सा। तो सीने का 12वां हिस्सा निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड कीजिए सीने के नाप को। तो हमारा सीने का नाप 24 है तो उसका आएगा 2 इंच। हम यहाँ से 2 इंच लेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ से आधा इंच लेंगे और ऐसे शेप लगा लेंगे। हम आगे वाली स्लीव्स में आगे वाला शेप देने के लिए सिर्फ आधा इंच का ऐसे शेप दे दें और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें हाफ स्लीव्स बना रही हूँ, छोटी स्लीव्स बना रही हूँ स्टॉक में। तो यह मैंने 5.5 इंच की है, मेरी तैयार 4 इंच मेरी स्लीव्स रह जाएगी। आपको जितनी अपनी स्लीव्स बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लंबाई लीजिए। अब हम इसे खोल देंगे और ये अंदर वाली कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे टॉप की कटिंग होती है। अब हम इसमें ये कपड़े से एक जैकेट इसमें लगाएंगे। हम सिर्फ फ्रंट में इस कपड़े से जैकेट लगा रहे हैं। ये मेरे पास काफी बड़ा कपड़ा है लेकिन आप इसमें पाव मीटर कपड़ा लीजिए और उससे अपना जैकेट तैयार कर सकते। तो हम जैकेट की लंबाई लेंगे, ये जो हमारा टॉप है इससे नीचे से 4 या 5 इंच छोड़कर, क्योंकि हम थोड़ा लंबा जैकेट लगा रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप कितना भी बड़ा जैकेट लगा सकते हैं। आप चाहें तो छोटा जैकेट लगा सकते हैं और आप चाहें तो बड़ा जैकेट भी लगा सकते। तो मैं यहाँ तक इसमें जैकेट लगाऊंगी, 13 इंच का मेरा जैकेट रहेगा। और जैकेट की चौड़ाई हमारी, ये जो हमारा नेक है यहाँ तक रहेगी, इससे थोड़ी सी दूरी। तो हम ये ऐसे सीधे स्केल से ऐसे निशान लगाएंगे। अब हमारा हम इस चौड़ाई को नाप लेंगे कि हमें यहाँ से ये 3 इंच की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से हमें ये 5 इंच का चौड़ाई हमें जैकेट के कपड़े की जरूरत होगी। तो हम ये कपड़ा है इसको ऐसे डबल कर लेंगे। मैं इसमें अस्तर नहीं लगाऊंगी, ये प्लेन वाले कपड़े को ही मैं इस तरफ टर्न कर लूंगी, वरना इसमें आप एक अस्तर भी लगा सकते हैं। तो अब हम ऐसे कपड़े को डबल कर लेंगे और हमें अपने जैकेट की लंबाई 13 इंच, तो हम यहां से 13 इंच रख लेंगे। इसके बाद हमें ये 5 इंच चौड़ाई में चाहिए, तो हम ये चौड़ाई लेंगे, ये हमारी 5, तो हम 5.5 लेंगे क्योंकि हम इसमें सिलाई का भी फोल्ड करेंगे और हम एक सीधा ऐसे कपड़ा कट कर लेंगे। ये मैंने अस्तर को साथ में ही कट कर रहा है। आप चाहें तो अस्तर का कपड़ा अलग से लगाकर 13 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा ले सकते हैं। अब हम इसके आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो हम ये जो जुड़ी हुई साइड है इस तरफ ही हम इसको ऐसे रख लेंगे और यहां से ये आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। अब हमारा ये जैकेट यहां पर ऐसे जॉइंट होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, हम इसको यहां से सिल लें। तो इस तरह से हमारी टॉप की कटिंग होती है। इसके नेक पर हम पिंक कलर के इस कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो हमें क्रॉस पट्टी कट करना होगी अपने कपड़े से। ये हमारे पास कपड़ा है, हम गले में और स्लीव्स में इसकी उरेब पट्टी लगाएंगे। तो हम इस कपड़े को ऐसे स्लांट करके, ये देखिए एकदम ये साइड और ये साइड आपकी बराबर होना चाहिए और आप यहाँ से इसकी उरेब पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। आपको जितनी जरूरत है उतनी आप उरेब पट्टियाँ कट करिए और आप उरेब पट्टी एकदम बराबर में कट कीजिए, जैसे 1 इंच 1 इंच, तो आप पूरी 1 इंच चौड़ी ऐसे पट्टी कट कीजिए। पहले आप निशान लगा लीजिए तो आपकी पट्टी एकदम सही से सीधी से कट जाएगी। इस तरह से हमारे ये टॉप की कटिंग होती है। अब हम इसकी हैरम पैंट की कटिंग करेंगे। बच्चों की हैरम पैंट बनाने के लिए मेरे पास यह 1.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े का विड्थ 42 इंच है, 42 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। अब हम सबसे पहले इस कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपनी
हेरम पैंट की लंबाई लें। आप यहाँ से इस कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लीजिए। तो हम बच्चे की हेरम पैंट की लंबाई आप उनके किसी लेगिंग, पजामे, प्लाजो या शलवार किसी से भी उनकी लंबाई ले सकते हैं या उनकी बॉडी का नाप ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ये वाले नाप की भी जरूरत होती है। इस चीज का हमें हेरम पैंट में हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो म्यानी वाला पार्ट है यहाँ से जो लंबाई होती है उसकी जरूरत होती है। तो जैसे कि मेरे पास इसमें लंबाई है 26 इंच, 26 इंच, और हमारा ये आसन वाला पार्ट है 9.5 इंच, तो हम इसे 26 इंच हमें लंबाई चाहिए। टोटल हम यहाँ से लें 26 में हम 4 इंच प्लस करेंगे। ये सीधा जो पॉइंट है ये शलवार के थोड़ी सी बनकर ऊंची होती है, तो इसके लिए आप हमेशा लंबाई में 4 इंच प्लस कर लीजिए। तो हमारी जैसे 26 लंबाई और इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये 30 इंच हो जाएगी, 30 इंच, तो हम यहाँ से 30 इंच ले लेंगे। तो अब हमारी लेंथ आती है इस जगह। इसके बाद हमारा आसन का निशान हम लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाने का वैसे तो तरीका होता है सीट का 1/3। सीट हमारी है 26 इंच, 26 इंच, तो उसका तीसरा हिस्सा करने के लिए आप इंची टेप को ऐसे 26 तक 3 बार फोल्ड कर लीजिए। तो हमारा आता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच हमारा यहाँ आएगा। इसमें हम ऊपर से 4 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो इंची टेप को 4 इंच ऐसे छोड़ देंगे और फिर अपना जो तीसरा हिस्सा है 9.25 उसमें 2 प्लस कर लेंगे 11 इंच। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा नहीं होना चाहिए। और कई बार हमारी शलवार थोड़ी लंबी हो जाती है तो बच्चों को हम बोलते हैं कि ऊपर कर लो शलवार या कुछ भी, तो फिर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसके लिए हम थोड़ा आसन को बड़ा कर लेंगे, तो हम यहाँ से 12 इंच का आसन लेंगे और हमें तैयार 9 इंच का चाहिए, तो फिर हमारा इलास्टिक फोल्ड होकर तैयार हमारा वह 10 इंच का रहे। तो इस तरह से हम अपने आसन को यहाँ से 12 इंच लें। हमारी लंबाई का निशान ये था, उसके बाद हमने यहाँ से 4 इंच छोड़ा और अपना आसन लिया हमने, तो यह 12 है। अब हम ये जगह से यहाँ से हम 2.5 इंच, या तो हम 2.5 इंच ये स्टैंडर्ड साइज है बच्चों के लिए, और इसको ऐसे गोलाई में मिला लेंगे। ये हमारा आसन वाला पार्ट, और उसके बाद इस जगह पर हम एज इट इज इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हम हल्की सी इसको गोलाई दे देंगे, वो हमें यहाँ पर प्लेट्स भरने में इजी होगी, इसलिए हम इसको थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है, हम इसको कट कर अलग कर लेंगे। अब ये तो हमारी हेरम पैंट की कटिंग हुई, अब हम इसका बेल्ट की कटिंग। बच्चों के लिए हम कमर की गोलाई कितनी लें, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो कंफर्टेबल बनाने के लिए हम जो कमर गोलाई का नाप हमारे पास 24 इंच है, जहां पर कि हम शलवार या लेगिंग पहनते हैं वो वाली कमर गोलाई है, तो 24 इंच में हम 8 इंच प्लस कर लेंगे। तो बेल्ट हमें 2 पीस में निकालना है, तो हम इसमें 18 इंच कर लेंगे, एक एक बेल्ट हमारा 18 इंच का होगा। और अब हम बेल्ट की चौड़ाई ऐसे डबल कर 4 इंच ले लेंगे, तो हम थोड़ा सा ज्यादा रख लेंगे सिलाई का, और थोड़ा इलास्टिक कभी हमारा चौड़ा है तो हम इसको 5 इंच करीब रख लेंगे और ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। हर तरफ से आप देख लीजिए 5 इंच आपका होना चाहिए, तो आपका वो एकदम सीधा कटेगा। अब हमारा ये बेल्ट होगा हेरम पैंट का, ये हमारा आसन वाला साइड है, हम इसको ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर हमें इसका सेंटर निकालकर निशान लगा देंगे। हमारी ये शलवार का आसन वाला पार्ट है, तो हम ये जगह पर भी इसका सेंटर निकाल लेंगे, कट लगा देंगे। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, एक पार्ट इसमें से भी हटा लेंगे और अब हम इसको सीधा ऐसे कर लेंगे। ये हमारा कट है और ये हमारा बेल्ट का कट है, इन दोनों को हमें ऐसे मिलाना है, तो हमें यहाँ पर ऐसे प्लेट डालेंगे। ये वाला प्लेट हम थोड़ा बड़ा डालेंगे और यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए। अब हम ये साइड वाले पूरे कपड़े को इसमें ऐसे प्लेट डालते जाएंगे। प्लेट्स आपकी चॉइस पर है, आप इन्हें कैसे पसंद करते हैं, कम ज्यादा जैसा भी आप डालना पसंद करते हैं उस तरह से आप इन्हें डाल सकते हैं। यहाँ देखिए आप इसके बराबर हो गया है, तो अब हमारा जितना भी प्लेट्स आए हम इतना ले लेंगे। अब हम
ये वाले प्लेट्स डालेंगे। तो हमारे ये प्लेट्स हमने इस तरफ डाले थे, तो ये हम इसके ऐसे डालेंगे, दोनों प्लेट्स का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ से आ रहा है। ये भी हमें इतने ही डालने हैं जितना हमारा ये कपड़ा आ जाए, इस तरह से। सेम मेथड से हम ये वाले में भी अपने प्लीट्स डाल दें और हम इनको ऐसे पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सी सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हमारी हैरम पैंट की भी कटिंग होती है और टॉप की भी कटिंग होती है। अब हमने ये प्लीट्स को जॉइंट कर लिया है, देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है सीधी साइड से। ये कुछ इस तरह से होगी, दोनों को हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसको सीधा रखेंगे, देखिए, और इसके ऊपर इस वाले पोर्शन को हम उल्टा रखेंगे और अब हम ये वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये दोनों आसन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम ये जगह, इसको अगर आप ऐसे नहीं पसंद करते हैं स्लांट लेना, तो आप यहाँ से इसको सीधा भी कट कर सकते, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 इंच इसको ऐसे ही फ्री रहने दूंगी। तो हम 6 इंच लगभग ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और हम ऐसा ही ये वाली साइड भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों पोर्शन पे हम ऐसा ही कर लेंगे, ये साइड भी और ये साइड। अब हमने ये किनारों से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको यहां से ऐसे पकड़ेंगे और इस जगह से हम इसको ऐसे यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अगर आपकी शलवार पैरों में से लंबी होती है, नीचे निकलती है, तो आप इसको यहां से कट कर दीजिए इस तरह से, तो वह आपकी शलवार की लेंथ कम हो जाएगी। अगर आपकी शलवार लंबी होती है तब आपको ऐसा करना है। अब हम इसमें ऊपर इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक के लिए हम, ये हमारा इलास्टिक है, तो इतना चौड़ा हमें इस कपड़े को फोल्ड करना होगा। तो इससे हमें थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना होगा कि उसमें हमारा इलास्टिक थोड़ा बराबर आए। और अब हम पहले इसे पिन लगा लेंगे। तो आप ये जितना हमारा फोल्ड हुआ है ऐसे पहले सिंपल पिन लगा लीजिए। और फिर हम इसको यहां से फोल्ड करते हुए यहां से सिलाएंगे। आप ये पिन लगा लोगे तो आपको बार बार कपड़े को एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। आप यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करके घूमकर आप यहां आ जाइए, थोड़ा सा आप यहां से खुला रखिए क्योंकि हम इसमें यहां से इलास्टिक को अंदर डालेंगे। अब हमने ये लेफा फोल्ड कर लिया है। अब हम ये पिन हटा लेंगे और अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारी कमर गोलाई 22 इंच है, 22 इंच, तो हम इसमें इलास्टिक 4 इंच कम डालेंगे। तो 22 में से 4 कम कर लीजिए तो 18 इंच हमारा हो जाएगा, 18 इंच इलास्टिक हो जाएगा। तो हम ये 18 इंच लेंगे और इसको कट कर लेंगे इलास्टिक को। और अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक को इस तरह से इसमें डाल देंगे और यहाँ से, ये हमने देखे यहाँ पर हमने गैप रखा है, तो हम यहाँ से इलास्टिक को ऐसे इसमें डालेंगे। अब हमारा ये इलास्टिक इस तरह से आ गया है। अब हम इसको एक बार सब तरफ से सही कर लेंगे, देखेंगे कि ये हमारा सही तो है या नहीं। अब हमारा ये सही है, कई बार क्या होता है इलास्टिक अंदर जाके इससे टर्न हो जाता है, तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होगा। अब हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर सिर्फ। अब हमारा ये इलास्टिक अंदर चला गया है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे इस तरह से और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ जो खुला रखा था सिलाई, उस पर भी सिलाई लगा ली है और अब हम इसके ऊपर ऐसे खींच कर रखेंगे। मशीन में भी हम इसको चलाएंगे, तब दोनों तरफ से खींच कर आप बीच में एक सिलाई
लगा लेंगे। अब हमारा ये देखिए, हमने इलास्टिक पर भी बीच में सिलाई लगा दी। बीच में सिलाई लगाने से ये होता है कि इलास्टिक इधर उधर रोल रोल नहीं होता है अंदर, और इस तरह से हमारी ये हैरम पैंट बनकर तैयार है। हैरम पैंट के लीजिए आप, धोती सलवार के लीजिए आप, इसे इसका लुक पहनने के बाद अलग होता है। और अगर आपको बड़ों की हैरम पैंट बनानी है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसको देखकर आप बड़ों के लिए हैरम पैंट बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये जैकेट की सिलाई लगा लेंगे। हम इस जैकेट को उल्टा करेंगे और ऐसे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम ये वाले को कर लेंगे। अगर आपके पास ये अस्तर का कपड़ा नहीं है तो आप जैसे ये सिंगल मान लीजिए, तो आप इसको यहाँ से जैसा कि हम नॉर्मल किसी भी चीज को फोल्ड करते हैं, इस तरह से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सिंगल कपड़ा है, अस्तर का कपड़ा नहीं है और आप इसको सिंगल ही लगाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब हम यहां से इसको सीधा कर लेंगे और इस जगह से हम इसको सिलाई लगाकर एक बना लेंगे। यह अलग अलग हो रहा है। ये हमारा जैकेट बनकर तैयार है। अब हम ये कुर्ते का पिछला हिस्सा लेंगे, बैक पोर्शन, और ये जगह को हम हुकाई के लिए तैयार करेंगे। तो हम एक जितना हमें कट लगाया है उससे थोड़ी एक बड़ी ऐसे पट्टी ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कट है और हम इसे थोड़ा सा ज्यादा इसे रख लेंगे। इस पट्टी को हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहां इसमें छोटा सा एक कट लगा लेंगे इसके बराबर। अब हम इसको कपड़े की सीधी साइड और इस पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और यहां से इसे सिलाई लगा लेंगे इसके बराबर। यहां आकर हम सुई को अंदर रखेंगे, फुट उठाएंगे और टर्न हो जाएंगे। इससे हमारा पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा। अब हम सिलाई के एकदम पास तक यहां पर कट लगा लेंगे और इस पट्टी को हम ये साइड पे टर्न कर देंगे उल्टी साइड पे। हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अभी हमारी पट्टी इस तरह से बनकर तैयार है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर ये जैकेट को यहां से सिलाई लगा लेंगे, यहां से और यहां से दोनों तरफ हम ऐसा कर लेंगे। यहां से हम थोड़ा दूर रखेंगे, अगर ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ करिए, क्योंकि यहां पर हमारी एक पाइपिंग भी आएगी। ऐसा ही हम ये साइड भी कर लेंगे। ये हमारी जितनी डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस का आप इधर भी ध्यान रखें। अब हम इसको सीधा रखेंगे और पिछले वाले हिस्से को उल्टा रखेंगे और हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे, कंधों को जॉइंट करेंगे। अब हमने ये कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। यह हमारी रे पाइपिंग है जो हमने कटिंग करते वक्त तैयार की थी। अब हम यहां से इस पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हम थोड़ी पाइपिंग को बड़ा रखेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसे लगाएंगे। पाइपिंग लगाते हुए आपको पाइपिंग को बहुत खींचना भी नहीं है और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना।
थोड़ी बड़ी हम कट कर लेंगे पाइपिंग को। इधर भी हम फोल्ड करके लगाएंगे इसलिए हमने बड़ी कट की। अब हम ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको ऐसे कट कर लेंगे और पाइपिंग को पहले एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और यहां ये पाइपिंग और इस कपड़े के बिल्कुल बीच में हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम पाइपिंग थोड़ी मोटी दिखा रहे हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। आप आराम से धीरे धीरे मशीन चलाइए। इस जगह पर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसको ऐसे लगा लेंगे। इस तरह से हमारी गले पर हमारी पाइपिंग लग जाती है। यहां पर हम एक हुकाई लगा लेंगे। अब हम ये स्लीव्स में पाइपिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स को हमने नॉर्मल तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको स्लीव्स को उल्टा रखेंगे, ये पाइपिंग हम इस पर रखेंगे और यहां पर पाइपिंग को स्लीव्स से थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे और यहां किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा वालों की कटिंग कर लेंगे। इसको हम सीधी साइड करेंगे, यही टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे और हम इधर भी इसको करेंगे और यहां हम दोनों के बीच में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस स्लीव्स को इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो यह थोड़ी डीप कटिंग है, यह हमारी फ्रंट वाले के साथ जॉइंट होगी तो यह हमारी वो साइड जॉइंट होगी। डीप कटिंग से डीप कटिंग मिलेगी। हमेशा डीप कटिंग फ्रंट वाले के साथ जॉइंट होती है। देखिए ये इस स्लीव्स की डीप कटिंग है तो ये इस फ्रंट वाले के साथ जॉइंट होगी। आप सीधी सीधी ऐसे रखिए पहले और ऐसे चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे पलटिए और ऐसे सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी लगाएंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको फिटिंग देंगे तो हम यहाँ से अपनी स्लीव्स गोलाई का हाफ ले लेंगे। जैसे कि हमने स्लीव्स गोलाई 10 इंच रखी थी तो उसका हाफ ले लेंगे 5 इंच। तो यहाँ से 5 इंच हम निशान लगा लेंगे 5 इंच पे और हम इसमें यहाँ पर ऐसे ही निशान लगा देंगे। लगभग एक एक इंच आपका यहाँ से रहना चाहिए, एक इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हमने कटिंग की थी तो हमने सिलाई का और मार्जिन का एक एक इंच करके 2 इंच प्लस किया था। तो हम इस तरह से यहाँ से एक एक इंच कर ये निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लें। अब हमारा ये टॉप बनकर तैयार है। अब हम इसके नीचे ये ट्रायंगल बनाकर ऐसे पैटर्न देंगे। तो ये पहले ट्रायंगल्स को हम एक साथ तैयार कर लेंगे। ये मैंने 3 अलग अलग कलर के ट्रायंगल्स कट कर लिए। पहले मैंने एक चौकोर कपड़ा कट किया है, अब हम इसको ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको हम यहां ऐसे सीधा सिल लेंगे। इसको हम इसके ऊपर ओवरलेप करते हुए पहले हम एक लाइन बना लेंगे इनकी ट्रायंगल्स की। और आप ध्यान रखिए ये जो खुले पार्ट्स हैं सबके आपके एक ही साइड रहे। अब वापस से हम ग्रीन वाला ले लेंगे एक, उसके बाद रेड और ऐसे ओवरलेप रखते हुए हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे पूरी हम एक ऐसी लाइंस बना लेंगे। हमें जितनी हमें यहाँ लगाने की जरूरत है उतनी हम बना लेंगे। अब हमने ये डिजाइन को तैयार कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और हम इसको
ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी डिज़ाइन इस तरह से लगी है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर ये पिंक कलर की पाइपिंग लगा देंगे, उससे ये सिलाई भी दब जाएगी और ये सारी जो सिलाइयाँ हैं ये इस पट्टी के नीचे दब जाएगी, तो यहाँ पर बड़ा फिनिशिंग से आ जाएगा, पीछे भी हमारा कुछ भी नहीं वो निकलेगा। तो हम इसे अब हम ये जॉइंट से इस कपड़े को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको ऐसे दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये पट्टी लगाएंगे। आपके नीचे ये वाला कपड़ा पकड़ में नहीं आए, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा। अब हम यहां पर थोड़ी बड़ी कट करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ओवरले कर लेंगे। अब हम इस वाले पोर्शन को फोल्ड करते जाएंगे और इन सब को अंदर की तरफ करते जाएंगे। ये जो भी एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं इनकी आप कटिंग कर लीजिए और इन सबको ऐसे अंदर करते हुए आप सिलाई लगाइए। इस तरह से हमारा ये टॉप भी बनकर तैयार है। इस तरह से हमारी ये हेरम पैंट और टॉप बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज के लिए। थैंक यू।